स्वागत है दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स का कट ऑफ के बारे में। और दोस्तों जैसे आपको पता है कि एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, अभी 12, 13, 19 अगस्त का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो इसके बाद ही हम वीडियो बना रहे हैं डिटेल में। अभी जो भी अगर आप प्रीवियस वीडियो देखें कट ऑफ के रिलेटेड तो प्लीज़ मत देखना उसको, यही वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके कट ऑफ के हिसाब से, क्योंकि लास्ट वीक भी मैंने एक कट ऑफ पे वीडियो बनाया था, तो वो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 वीक पहले का देख रहे हो तो मैं कहता हूँ वो देखना मत, ठीक है। इसमें मैं सारा डिटेल आपको बताऊँगा एकदम डिटेल में, वो आप पर डिपेंड करता है आप ट्रस्ट करते हो कि नहीं करते हो मुझ पर। तो दोस्तों तो यहाँ पर मैंने थंबनेल में जो भी लगाया 55 ± मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट स्टेट में यही रहेगा कट ऑफ, ठीक है। अब प्लस माइनस क्या होगा हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, फर्स्ट मैं बात करता हूँ असम त्रिपुरा का बात करता हूँ। तो असम त्रिपुरा में एक बात मैं बता देता हूँ, मेरे हिसाब से जितना भी मैंने एनालिसिस किया है पेपर को, मैक्सिमम कैंडिडेट का अटेम्प्ट 65 के रेंज में है, 65 to 70 के रेंज में नॉर्थ ईस्ट में, 65 to 70 के रेंज में। तो मेरे हिसाब से असम त्रिपुरा का जितना भी कट ऑफ है, बहुत लोग कह रहे हैं कि 60 के नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होगा, 60 के नीचे नहीं जाएगा मेरे दोस्त, 60 के ऊपर ही रहेगा। और एवरेज अगर बताऊं तो 65 के टच में रह सकता है, 65 प्लस माइनस हो सकता है कट ऑफ, ठीक है, उससे कम नहीं जाएगा, प्लस माइनस समझ रहे हो। लास्ट ईयर 64 गया था, तो इस बार ज़रूरी नहीं कि 64 रहेगा, इस बार 67 भी जा सकता है या 63 भी जा सकता है। तो 5 मार्क 6 मार्क अप डाउन आप लेके चलना पड़ेगा आपको, ठीक है, डिपेंड करता है। क्योंकि आप अगर देखें, उठा के कट ऑफ देखें प्रीवियस ईयर्स का, तो आपको खुद पता चल जाएगा एनालिसिस के 65 के रेंज में अक्सर कट ऑफ रहा है। तो असम त्रिपुरा का मैं बात करूं तो 65 के रेंज में, ये मत सोचना कि अब 65 तो बोल रहा हूं तो 69 70 चला जाए या 75 चला जाए, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो, एग्जैक्ट कट ऑफ नॉर्थ ईस्ट का कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि लास्ट ईयर 64 गया तो इस बार भी 64 रहेगा, हो सकता है कि रह जाए, और हो सकता है कि इससे कम भी रहे, 61 भी चला जाए, और हो सकता है कि 65 प्लस भी चला जाए। तो अनएक्सपेक्टेड के लिए आप रेडी रहना, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ अगर आपने 60 अटेम्प्ट भी किया है तो मेंस की तैयारी करना, 55 अटेम्प्ट भी किया है तो मेंस की तैयारी करना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स बढ़ते हैं। जैसे लास्ट ईयर मैंने बताया था बहुत सारे कैंडिडेट का 55 अटेम्प्ट करके भी 68 मार्क्स मिला है, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो यही चीज़ है नॉर्थ ईस्ट में, आपको एक चीज़ ले कर चलना पड़ेगा दिमाग में, बाहर के जैसा आप नहीं सोच सकते हो कि बाहर में लास्ट ईयर 75 गया तो इस बार 75 या 76 रहेगा, लास्ट ईयर अगर 69 गया तो इस बार 70 के टच में रहेगा। नॉर्थ ईस्ट अनएक्सपेक्टेड है, यहाँ पर जंप होते हैं कट ऑफ में, अप भी होते हैं डाउन भी होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो एवरेज मैं 65 लेके चल रहा हूँ मेरे भाई बहन, एवरेज असम त्रिपुरा का कट ऑफ 65 प्लस माइनस इसमें जोड़ सकते हैं आप खुद से, ठीक है। और एग्जैक्टली पूछे तो मेरा सिक्स सेंस जो दिमाग में मेरे आ रहा है, एग्जैक्टली जो आ रहा है कट ऑफ असम का एग्जैक्टली आ रहा है तो 67 आ रहा है मेरे, पता नहीं क्यों आ रहा है लेकिन 67 मुझे लग रहा है, लेकिन एवरेज मैं बता रहा हूँ 65 प्लस माइनस। और त्रिपुरा का भी आप 65 के रेंज में समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए असम त्रिपुरा का। उसके बाद अगर बात करूँ अरुणाचल प्रदेश मेघालय का, अगर बात करूँ, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश मेघालय और मणिपुर, तो यहाँ पर भी डाउटफुल रहेगा कट ऑफ, यहाँ पर 57 टू 63 के बीच में मोस्ट प्रोबेबली चांस है, 57 टू 63 के बीच में, ठीक है, असम मेरा मतलब मेघालय अरुणाचल और मणिपुर में, तो 57 प्लस जाने का चांसेस लग रहा है मेरे हिसाब से। तो 57 टू 63 मैं लेके चल रहा हूँ अपने हिसाब से, प्लस माइनस आप कर सकते हैं 2-4 मार्क्स इधर उधर, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम असम त्रिपुरा हो गया, अगर नागालैंड में वैकेंसी है तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर 55 टू 60 आप ले सकते हैं, नागालैंड पे 55 टू 60 ले सकते हैं, ठीक है। अगर बात करूँ मिज़ोरम की, मिज़ोरम की बहुत क्रेज़ रहती है कैंडिडेट में, और बहुत सारे कैंडिडेट इस बार गए हैं एग्ज़ाम देने जहाँ मुझे पता चला है, और जैसे कुछ कैंडिडेट से बात हुआ तो ये खबर हुआ है। तो यहाँ पर कट ऑफ क्या रहेगा, लास्ट ईयर का सीन क्या था, यहाँ पर लास्ट ईयर का सीन था कि 43 कट ऑफ था यहाँ पर RRB क्लर्क में, बहुत लोग नहीं मानेंगे, अब बहुत लोग से एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला है कि 43 कट ऑफ था। तो इस बार क्या रहने का चांसेस है, देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंकली, मिज़ोरम में 2017 में मुझे एग्जैक्टली याद है कट ऑफ 57 गया था, एग्जैक्टली 57 कुछ कट ऑफ गया था 2017 में, 18 में 55, देखिए एक चीज़ है 55,
60 इसी के बीच में अक्सर देखने को मिला है मिज़ोरम में, 55 टू 60 के बीच में एवरेज। अब लास्ट ईयर जो 43 बोल रहे हैं लोग या आया है, लास्ट ईयर 43 ही आया था कट ऑफ का IBPS क्लर्क ना IBPS RRB। IBPS क्लर्क का शायद 57 था, IBPS RRB क्लर्क का 43 था, ठीक है एग्जैक्टली बात करूँ तो लास्ट ईयर 43 गया है, उससे पहले 57 गया है। चेंजेस समझ रहे हो आप, अनएक्सपेक्टेड है कट ऑफ में। तो लास्ट ईयर अगर 43 गया तो ये साल ज़रूरी नहीं कि 45 कट ऑफ जाए, और ज़रूरी नहीं कि 55 या 60 ना जाए। 55 में एवरेज लेके चल रहा हूँ, मिज़ोरम का भी 55 एवरेज रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कम ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है मेरे दोस्त। आपको कोई अगर एग्जैक्ट बता दे तो वो महागुरु होगा, ठीक है जो एग्जैक्टली बता दे, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता नॉर्थ ईस्ट में, इम्पॉसिबल है बताना। आप जानते होंगे अगर नॉर्थ ईस्ट में आप एग्ज़ाम दिए हैं तो, मुझे 2016 से एक्सपीरियंस है तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट में कट ऑफ बहुत ज़्यादा चेंज होता है मेरे भाई बहन, बहुत ज़्यादा चेंज होता है कट ऑफ। आपको अगर नेक्स्ट ईयर एक ईयर 60 मिल रहा है तो नेक्स्ट ईयर 40 भी मिल सकता है, अगर लास्ट ईयर 40 मिल रहा है ये साल 60 भी मिल सकता है। तो ये सब आप ले कर चले दिमाग में। तो आई होप आप समझ गए ओवरऑल क्या है। तो मिज़ोरम का मैं 55 के रेंज में लेके चल रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी आप क्या सोचते हो मेरे बारे में। और दोस्तों एक बात कह देता हूँ, अगर आपका 50 भी अटेम्प्ट है ना तो मैं यही कहूँगा दिल से कि आप प्रिपरेशन मेंस की करना, वरना पछताओगे, क्योंकि 50 में भी मैंने दोस्तों को सिलेक्शन लेते हुए देखा है, 50 अटेम्प्ट कर भी सिलेक्शन लेते हुए देखा है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मेरा बात। तो आपका जितना भी अटेम्प्ट है, अब ये डीमोटिवेट मत होना सर मेरा तो सिर्फ 60 अटेम्प्ट हुआ, आप बोल रहे 65, भाई 60 अटेम्प्ट भी हुआ आपका क्लियर हो जाएगा, आप डीमोटिवेट मत होना। 50 भी अटेम्प्ट हुआ है, 45 भी अटेम्प्ट हुआ है ना, अब मेंस की तैयारी करो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट अनएक्सपेक्टेड स्टेट है, एक बात ये दिमाग में ठान लो आप कहीं से भी हो। मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट को पछताते हुए देखा है, जब प्रीलिम्स रिजल्ट आउट होता है तो मैक्सिमम कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, उनके बाद वो पछताते हैं कि काश मैं मेंस की तैयारी कर लेता। तो ये चीज़ आप दिमाग में ठान के रखना मेरे भाई बहन, इसलिए मुझे लंबा वीडियो बनाना पड़ा है। आपका अटेम्प्ट अगर 50 भी है, 60 भी है, 55 भी है, फिर भी आप मेंस की तैयारी करें, मेरा बात रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से। तो ये वीडियो बहुत मेहनत से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, पूरा एनालिसिस करके बना रहा हूँ। तो आप समझ गए होंगे असम त्रिपुरा का मैंने एक्सपेक्टेड 65 लगाया है प्लस माइनस, एग्जैक्ट कट ऑफ असम का 67 लगाया है पता नहीं क्यों, ठीक है एग्जैक्ट कट ऑफ। उसके बाद मैं अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय, मणिपुर 57 टू 63 प्लस माइनस लेके इसी के बीच में लगाया हूँ, ठीक है। उसके बाद नागालैंड का 55 और मिज़ोरम का 55। आई होप मैं आपका डाउट क्लियर कर दिया हूँ। और अगर ST का बात करें, ST अदर कैटेगरी का, तो आप कम समझ सकते हैं, 10 मार्क कम ले लें, रेंज बहुत अजीब होता है, कभी 15 मार्क्स का जनरल से कम रहता है, कभी जनरल जैसा रहता है। लेकिन आप अगर याद नहीं होगा आपको तो आप एक ईयर जाके देखना, मिज़ोरम का कट ऑफ जो था ST में जनरल से भी ज़्यादा था, 2020 का बात कर रहा हूँ, जनरल से भी ज़्यादा था। तो कुछ भी हो सकता है मेरे भाई बहन, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है, ST का OBC का कट ऑफ जनरल से कम ही रहता है, तो आपको कम ही लेके चलना है। तो आई होप आप क्लियर, मैं करा दिया हूँ आपका डाउट क्लियर, और कुछ भी रह गया हो तो फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, मैं बस मेहनत करता हूँ अपने नॉर्थ ईस्ट भाई बहन के लिए, मेरा कोई मकसद नहीं है व्यूज़ लेना। आप लोग 100 लोग 50 लोग भी देख लो मेरा वीडियो, बस एक दिल से यार, बस दिल से सपोर्ट कर दो, बस वही बड़ा बात है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, 100-150 आते हैं। मैं फिर भी नॉर्थ ईस्ट पर वीडियो ज़्यादा करके बनाता हूँ, दूसरा टॉपिक पे भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा करके अगर आगे कुछ अलग कैटेगरी भी बनाया फिर भी मैं नॉर्थ ईस्ट पे वीडियो बनाते रहूँगा, जब तक जान है बनाते रहूँगा, आप सभी का सपोर्ट करते रहूँगा, आप सभी को गाइड करते रहूँगा। तो मेरा यही था IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 का, अब कहानी देखते हैं रिजल्ट आने के बाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ कमेंट करना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके देन, ऑल द बेस्ट मेरे भाई बहन, जिनका भी है आप मेंस की तैयारी करते रहें।